हे गाइज व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज डैज। गाइज आज के ब्लॉग में आप सबका खूब सारा स्वागत है, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के ब्लॉग में आप सबको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप लोगों ने जैसा कि देखा है कि मम्मी कैसे हमको साड़ी पहनाना सिखा रही थी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि दीदी आप साड़ी नहीं पहन पाते हो सही से, पीन भी मेरे से सही से नहीं लग पाता है, तो आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। इसलिए मैं बोली मम्मी आप थोड़ा सा सिखा दो, बता दो, ताकि मैं जाऊँगी तो वहाँ बिल्कुल अच्छे से एकदम रेडी वगैरह होके रहूँगी। तो मम्मी मेरे को साड़ी पहना रही थी ऐसे, फिर वो पीन ऐसे तैसे मतलब बताई कि ऐसे लगाना, और वो तरीका मेरे को ऑल्टरनेट समझ भी नहीं बता रही थी कि आया। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे लगाना। हाँ, अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर एक दूसरे टाइप भी टाइप से बता रही थी कि तुम ऐसे लगा के रहना ताकि बॉडी नहीं दिखे। तो होता है ऐसा, क्योंकि अगर पिन अच्छे से नहीं लगता है तो साड़ी अच्छा नहीं लगता है। आप ही लोग बोलते हो कि दीदी अगर आप पतला एकदम प्लेट करोगे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, तो मैं सीख जाऊँगी, ट्राई करूँगी जल्दी सीखने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ साड़ी भी बहुत कम पहनती हूँ। बट ट्राई करूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को वो भी ब्लॉग आएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि आप लोग देख सकते हैं आज हमारा हेयर कुछ ज़्यादा खूबसूरत सा दिख रहा होगा साइड से। और आज मैं आप सबको अपने हेयर केयर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग सही में बहुत सारा मतलब बोल भी रहे हैं दीदी आप हेयर केयर कैसे करते हो, कैसे करते हो, प्लीज़ बताओ। तो मैंने सोचा चलो मैं प्रोडक्ट के साथ बताऊंगी आप लोगों की कौन सा प्रोडक्ट लगाती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे इसका केयर करती हूँ। तो फाइनली आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अपने मैं बालों का केयर कैसे करती हूँ। और पहला प्रोडक्ट ये है कि अपने बालों में शैम्पू लगाना। तो शैम्पू आप लोग देख सकते हैं, ये गुड वाइब्स का ऑनियन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है। यानी कि हेयर फॉल कंट्रोल का मतलब ये हमारे जो हेयर होता है, हेयर फॉल होता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। बिल्कुल, पहले डव लगाती थी तो वो शाइन देता था। हाँ, डव शैम्पू भी लगाती हूँ मैं, बट वो शाइनिंग के लिए, सिल्क की शाइनिंग, अगर आप धूप में जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। बट शैम्पू की सर्दियों बात में तो करें, भाई ये जरूरी है। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये शैम्पू मैं यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि ये शैम्पू बहुत अच्छा है और ये ऑनियन का है। वैसे आप अगर सोचते हो कि चलो ऑनियन को घर पे हम तैयार करके बालों में लगा सकते हो तो वो स्मेल करने लगेगा, बट आप ऑनियन शैम्पू डायरेक्ट ले सकते हो अमेजोन से। किसी भी तरह के इसमें पैराबिन नहीं है। इसमें पैराबिन भी नहीं है, क्रुएल्टी फ्री होता है। एंड ये आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, और बिल्कुल क्योंकि अमेज़ॉन पे तो इस पे बहुत अच्छा डिस्काउंट भी है। इसके साथ इसका कंडीशनर, अगर आप कंडीशनर सारा ऑनियन का ही यूज़ करना चाहते हो तो कंडीशनर इसका सब कहाँ से कुछ मंगाई हो? ये अमेजोन से मैंने मंगाया हुआ है। आप सबको जैसा कि पता ही है कि मैं जो भी अपना सामान लेती हूँ, या ड्रेस हो या ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर चूड़ा जो भी हो, वो सारा मैं अमेजोन से मंगाती हूँ। तो ये अभी मैं अपने बालों को धो के एकदम अच्छे से सुखा रही थी, और बाल इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग जाता है, आप लोग देख सकते हैं बाल। तो अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग यूज कर सकते हो, ये अमेज़ॉन पे है। एंड इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 320 रुपये का है। उस पक्का और 200 समथिंग में मिल हाँ, जाएगा। और उस पर आप लोग जाके एक बार चेक कर लेना, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर लेना और परचेज कर लेना। दूसरा जो मैं दिखाने वाली हूँ वो आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि अब ठंड का दिन आ रहा है, अब ये स्टार्ट ही हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यार शरीर जो हमारा बॉडी होता है वो पूरा ऐसे अपने हाथों स्क्रैच से मार्क्स ऐसे आ जाते करने हैं। से स्क्रैच जैसा दिखने लगता है, वाइट वाइट हो जाता है, एकदम ड्राई ड्राई स्किन हो जाता है। वैसे तो फेस में भी हो जाता है, बट फेस के लिए मैं बताऊंगी कि उसके लिए क्या करना है, लेकिन मैं बॉडी के लिए बता रही हूँ कि मेरा भी हो जाता है। मैं जब हाफ स्लीवलेस पहनती हूँ तो पूरा अजीब सा दिखने लगता है, तो उसके लिए मैंने बॉडी लोशन मंगाया, क्योंकि मैं बॉडी लोशन पहले नहीं यूज़ करती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही स्लीवलेस मैं पहनने लगी हूँ, तो इसलिए मैं सोची चलो मंगा लेती हूँ। तो ये भी गुड वाइब्स का है, गुड वाइब्स का बहुत ही अच्छा होता है, और ग्रीन गुड टी वाइब्स वाला का ग्रीन टी बॉडी लोशन है, जो कि इसमें पैराबिन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं नज़दीक से, और बहुत ही अच्छा ये बॉडी लोशन है। मैं इसको अभी यूज़ भी की हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये ख़त्म भी हो गया है यहाँ से, और इसकी खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू अगर लगाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत एंड रीजनेबल प्राइस पे मिल हाँ, जाएगा, इसका इसका भी लिंक प्राइस भी डिस्क्रिप्शन में। बहुत रिजनेबल है, आप लोग जाके एक बार देख लेना। और इससे हमारा स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है एकदम, मतलब
क्या बताऊँ, पता नहीं चलेगा कि आपका स्किन ड्राई ड्राई हो जाता है जैसे, वैसे पता नहीं चलने वाला है। तो आप नेचुरल है 100%, तो इसमें कोई भी तरह केमिकल है नहीं, आपके स्किन के लिए बेनिफिशियल है। हाँ, मैं भी इसको लगा सकता हूँ ना? हाँ, इसको मेन वुमेन्स कोई भी लगा सकता है, आपके मेन छोटे वुमेन कोई भी लगा सकते हैं। हाँ, कोई भी लगा सकता है, छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं। और मैं इसको अब यूज़ कर लूँ, अगर आप लोग को भी यूज़ करना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। वैसे ठंड का दिन आ रहा है तो ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हमारा स्किन ड्राई होने लगता है, रिंकल्स होने लगते हैं। तो बस अगर इसको आपको लेना है तो आप लोग जाके ले, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है गाइस, वो है फेस मास्क। आप लोग आजकल देख रहे हो कि मैं खुद से घर पे बहुत सारी चीज़ें मंगा लेती हूँ, फेशियल किट वगैरह, मैं घर पे ही ज़्यादातर फेशियल करती हूँ। तो अभी मैंने फेस मास्क भी मंगाया हुआ है, और फेस स्किन मास्क ग्लो करने के लिए। हाँ, मम्मी बोल दी थी कि काली हो रही है इसलिए मंगा। हाँ, मैं उसी दिन ऑर्डर की थी ना, तो मैं घर गई थी तो बहुत सांवली सांवली, तो सब कोई बोल रहा था कि यार ये तो पहले से बहुत सांवली हो गई है। आप लोग भी जैसा देखे कि बोल रहे थे कि दीदी पहले बहुत, आप देखो जब हेल्थ ठीक रहता है तो फेस भी फेयर लगता है, गोरा लगता है, और जब डाउन होता है ना तो एकदम सांवला सांवला हो जाता है। तो मेरा थोड़ा डाउन हो गया है, सांवला भी हो गया, तो मैं सोची यार क्या करूँ अब, तो मैं सोची चलो यही मंगा लेती हूँ। तो रोज हिप का फेस मास्क है ये हम अपने फेस पे, फेस को पहले धो के उसके बाद से फेस पे लगाएंगे, और आईज को छोड़ के लगाना होता है, नहीं तो आईज भी ऐसे दबे रह जाएगा। और लगाने के बाद थोड़ी देर तक छोड़ने के बाद ना ये बिल्कुल जैसे आपका स्किन जैसा, ये चमड़े जैसा ऐसा छोड़ने लगता है। तो इसको लगाना बहुत ईजी है, फेस आप धो के इसको लगा सकते हैं, और लगा जब जैसे ही आप फेस से उतारोगे ना इसको, इतना आपका फेस सॉफ्ट हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। तो ये हमारे फेस को बिल्कुल सॉफ्ट, ये भी गुड वाइब्स का है, कोई भी तरह का केमिकल नहीं है, केमिकल भी नहीं है, और ये पैराबिन फ्री होता है, इसमें मिनरल ऑयल भी नहीं होता है। आप लोग को नेक्स्ट प्रोडक्ट अपना दिखाते हैं जो कि है ऑरेंज जेल। और वैसे ही आप सबको पता है कि मैं ऑरेंज बहुत ज़्यादा खाती हूँ, आज ही मैं मार्केट गई थी तो इतना सारा ऑरेंज लेके आई थी। तो ये गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल है, स्किन और हेयर के लिए ना। हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं नज़दीक से, इसमें नो पैराबिन, नो सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री होता है, और ये हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रखता है। हमारे स्किन पे जितने सारे मतलब डैमेज स्किन हो जाते हैं उसको भी एकदम रिपेयर कर देता है। हाँ, प्रिपेयर कर देता है, तो डैमेज स्किन को रिपेयर कर देता है, एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है ऑरेंज। बहुत सारे लोग ऐसे भी जानते हैं हमारे बिहार में, विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, एंड इसका छिलका को भी बहुत सारे लोग सुखा के हल्दी वल्दी डाल के अपने स्किन को ग्लो कराने के लिए ये सब मंगा रही हो तुम, इसे क्या लग रहा तुम गोरी चमड़ी हो जाओगे? मैं हो जाऊंगी वैसे, आप लोग देख लेना। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोग तो नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही अच्छा है, और ये मेरे में बहुत प्यारा भी लगता है, देख सकते हैं। ये है एक शर्ट, और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेहंदी इसका कलर, आप लोग देख सकते हैं, मेहंदी का कलर है, और इसे मैं ली हूँ ताकि अभी कहीं और प्लान बनेगा घूमने जाने के लिए तो मैं इसको पहनूंगी। और ये जो मैं पहले शर्ट वो मंगाई थी रामेश्वरम, मेरे को जाना था तो वहाँ पे मैं पहनी थी, तो आप लोग बोले थे कि दीदी आपका बहुत प्यारा लग रहा है शर्ट, तो इसलिए मैं मंगाई थी। और ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, इसका कलर मुझे ही इतना अच्छा लगा कि मैं उसमें कहीं मंगाई हूँ, बट कलर थोड़ा इसका अलग है, ये मेहंदी कलर है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बटन भी कितना खूबसूरत सा लग रहा है, एंड यहाँ पे दो पैकेट भी दिया हुआ है। तो वैसे मिस्टर राज के पास भी इस कलर का है, जो जो कलर इनके पास है उस कलर का मैं भी मंगा ले लूँ, ताकि अगर हम लोग कहीं भी पहनेंगे तो। और अभी तो अमेजोन पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। और अमेजोन पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग को सस्ते में भी मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ पे सिर्फ ड्रेसेस भी मिलता है कि और कुछ होता है? नहीं, अमेजोन पे आप ब्यूटी प्रोडक्ट से लेके ड्रेस वगैरह, इलेक्ट्रिक चीजें, टीवी जो होता है, फ्रीज वगैरह, मतलब बहुत सारी फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, हाँ टिकट विकेट, मतलब बहुत सारी, मतलब मेरे को लग रहा है ना सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके वहाँ से। लेकिन खास करके प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी क्वालिटीज में मिल जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, जो कि हमें दूसरे ऐप पे नहीं मिल पा रहा था। इस सब का मतलब बहुत अच्छा होता है, फैब्रिक भी गाइस बहुत अच्छा होता है, आप लोग एक बार ट्राई करने के लिए भी आप लोग जरूर मंगाना। खास करके तो ये मॉइस्चराइजर वगैरह तो मंगा ही सकते हैं, क्योंकि अभी तो सबको जरूरत पड़ने वाली है बॉडी लोशन वगैरह की। हाँ,
तो बस इसका प्राइस आप लोग को जानना है तो जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर लेना और इसको जल्दी फटाफट ले लेना, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि अभी हमारा बहुत सारा फेस्टिवल आने वाला है तो आप लोग को यूज़ करना ही होगा। ऊपर से शादियों का सीजन है, शादियों का सीजन है, लहंगा वहंगा सब कुछ मिलता है। मैंने तो लहंगा भी मंगाया हुआ है अपने बर्थडे पार्टी के लिए, तो बर्थडे वो पार्टी बर्थडे पार्टी के लिए मैंने मंगाया हुआ था तो आप लोगों ने देखा, बट अब हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी भी होने वाला है बहुत जल्दी, तो उसके लिए भी मैं मंगवाने वाली हूँ लहंगा। तो आप लोग बस बने रहो और देखते रहो हमारी वीडियो को, और जो भी चीज़ें पसंद आती है आप लोग जल्दी से ले लेना एंड लेट मत करना। आप वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।